हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास्ट इक्वेशन के बारे में। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखो, नास्ट इक्वेशन को आगे से मैं बोलूँगा नटखट इक्वेशन। इसका नाम क्या रख देंगे? नटखट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नखरे हैं, राइट? डिफरेंट फॉर्म में ये यूज होता है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है नटखट इक्वेशन। तो ध्यान से समझो। देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ये सभी को मालूम है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग। एल एन मतलब क्या है? नेचुरल लॉग क्यू। क्यू क्या है? तो क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ओके, और ये कैसे निकालते हैं? तो केमिकल इक्वेशन में आपको आइडिया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट में होंगे उन सब का कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइकोमेट्री, जो उसके आगे का नंबर होगा एक बैलेंस रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइकोमेट्री। क्यू हम ऐसे निकालते हैं, राइट? जहाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को बताता है, और कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं? मोल्स बाय वॉल्यूम, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? तो ये बहुत ईजी है, तो वही क्यू है ये। अब यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, तो एन एफ ई नॉट हो जाएगा, आर टी ये एल एन नेचुरल लॉग क्यू रहेगा, राइट? अब सबको माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अब ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू ई नॉट आर, जो कि गैस कांस्टेंट हो गया, टी यहाँ पे टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, जनरली जो सेल रिएक्शन होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन पे होती है। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, फेरेडेज एफ 96500, तो ये सब वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करके 0.059। इसलिए ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, डेट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन या अप्रॉक्स 300 केल्विन हो। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर आपको ये वाले इक्वेशन से करना पड़ेगा पुट करके। चूँकि 99% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी टेम्परेचर पे, इसलिए ये डायरेक्ट वैल्यू हम याद रखेंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग, क्योंकि इसमें नेचुरल लॉग को भी अब लॉग विथ बेस 10 में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो वो सब ऑलरेडी उसमें कैलकुलेट होकर के आ गया लॉग क्यू। वेयर व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मैंने आपको ट्रिक दे रखा है कि आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके अगर गिवन है, दोनों साइड सेम चार्जेज है तो एन की कोई एक वैल्यू हो जाएगी वही चार्ज, और अगर डिफरेंट चार्जेज हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो ये मेन इक्वेशन हो गया, इसलिए इस पे स्टार्ट दिया, ये ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होता है। अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो जीरो कौन होगा? ई। क्यों? क्योंकि एफ की वैल्यू तो फिक्स है 96500, और एन इलेक्ट्रॉन है वो जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ई सेल जीरो हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा जी या ई को जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखो, क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस केस में? क्यू आपका हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के बराबर, इसलिए लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई नॉट बाई 0.059 को मैंने अप्रॉक्स 6 ले लिया है, राइट? तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है वो भी समझो ध्यान से। के इक्विलिब्रियम एक वेरिएबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको सेल से पता लगेगा, ई नॉट, तीन वेरिएबल हैं, तो तीन में से कोई भी दो दे करके तीसरा आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। और अगर कोई रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है या ई सेल पॉजिटिव है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, इन द सेंस वो रिएक्शन होंगी, राइट? सेल वर्किंग कंडीशन में, इसका ये मतलब है। नाउ अब ध्यान से समझो, क्यू निकालने के लिए एक तो ये था जो आपको बता चुका हूँ, और अगर मान लो कि एनोड और कैथोड मेटल के हैं तो डेफिनेटली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो राइट साइड में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होंगे, इसलिए क्यू को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन एट एनोड टू दी पावर स्टोइकोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट कैथोड सी टू दी पावर स्टोइकोमेट्री। ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो फाइनल कहने का क्या मतलब है? सिंपल सा कि अगर लिक्विड है, एल फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड है एक्वस फेज में है तो उसका कंसंट्रेशन लेना है, डेट मीन्स मोल बाय वॉल्यूम,
और अगर कोई गैस अगर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में, किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में कोई गैस दिख रहा है तो उसका प्रेशर लेना है। अगर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो, कंसंट्रेशन गिवन है तो वही पुट कर दो, नहीं गिवन है तो प्रेशर भी हम ले सकते हैं। सिमिलरली रिएक्टेंट साइड में अगर एक्वस फेज में है तो कंसंट्रेशन लेना है राइट, और अगर गैस है तो प्रेशर लेना है। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू, रिएक्शन कोशेंट। ई नॉट सेल, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है, ई सेल जो एक ये कैलकुलेट करना है राइट। ई नॉट सेल इसका कैलकुलेशन आपको बता रखा हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे विनो ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ई नॉट आ जाएगा राइट। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है ध्यान से देखो, ई, ई नॉट 0.059 फिक्स हो गया, एन भी एक तरीके से वेरिएबल है राइट, और ये एक क्यू वेरिएबल है, तो टोटल इसमें फोर वेरिएबल है। तो आप समझ सकते हो अगर टोटल चार वेरिएबल हैं तो कोई तीन दे करके आपसे चौथा पूछा जा सकता है, इसलिए आप ऐसा मत सोचे कि नटखट इक्वेशन से खाली आपको ई सेल निकालना पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ई सेल दे दिया, ई नॉट दे दिया, क्यू दे दिया, एन निकालो, ऐसा दे सकता है, या ई नॉट दे दिया, एन दे दिया, क्यू दे दिया तो ई निकालो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ई ई नॉट एन दे करके क्यू निकलवा सकता है राइट। तो इस टाइप से चूंकि इसमें टोटल चार वेरिएबल हैं तो चारों में से कोई तीन दे करके तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, और चूंकि इसमें लॉग क्यू मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम आया है इसलिए आयनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आया इसलिए थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसलिए रेडॉक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो तीनों को कंबाइन किया जाता है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, क्यों, रफ़ी सर आपके साथ हैं। तो आप देखिए कि इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं और उसको हमें कैसे करना है रफ़ी सर के कंसेप्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, आपको क्या गिवन है कि 298 केल्विन पे एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर प्लस टू से कॉपर का 0.34 वोल्ट है, केएसपी आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का गिवन है 10^-20, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है जब पीएच 14 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता कि करना क्या है, देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, वेरी सिंपल, 298 केल्विन दे दिया मतलब 0.059 हम यूज कर सकते हैं राइट, एसआरपी स्टैंडर्ड है ये, तो डेट मीन्स आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लो, क्या गिवन है, ई नॉट कितना 0.34 वोल्ट, कैसे पता लगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है ओके। एक और पॉइंट कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिएक्शन भी लिख दो, कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर में जाएगा ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ राइट। केएसपी आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स ई सेल निकालना है आपको, ई क्या होगा एट पीएच, जब आपको गिवन है कि पीएच आपका कितना हो रहा है 14, तो यहां से ध्यान से समझो अगर पीएच 14 है तो वी नो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो इसका मतलब पीओएच कितना हो जाएगा 0 राइट, क्योंकि पीएच ही 14 है, पीओएच 0 होने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस कितना हो गया 1, क्यों, क्योंकि पीओएच 0 का मतलब माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ओएच माइनस 0 के बराबर है, तो लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ओएच माइनस का कंसंट्रेशन, इस पॉइंट से वो क्या कहना चाह रहा है कि ओएच माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है, जस्ट घुमा रहा और कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी बोल सकता था लेकिन परेशान करना तो उसकी फितरत में राइट, इसलिए ऐसा करके दे दिया, तो यहाँ से निपट गए। अब अगर ये रिएक्शन है तो आपको मालूम है इस रिएक्शन का मैं क्यू लिख सकता हूँ, क्यू कैसे लिखूंगा, यू नो ये सॉलिड हो जाएगा कॉपर, तो सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है, ये कॉपर प्लस टू, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 नीचे में कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन हो जाएगा। नाउ अगेन कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है तो उसके लिए फिर से उसने आपको घुमाया है, KSP गिवन है, क्या गिवन है, KSP, यहाँ से कॉपर प्लस टू निकाल सकते हैं, कैसे, यू नो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे डिजोल्व होगा, कॉपर प्लस टू में प्लस टू ओ एच माइनस में, इस रिएक्शन का KSP डेट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस और स्टोइकोमेट्री पावर में राइट। तो यहाँ से कॉपर प्लस टू किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन KSP बाई
कंसंट्रेशन ऑफ OH- माइनस का स्क्वायर, चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ OH- माइनस 1 है तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, Ksp, डेट मीन्स 10 की पावर माइनस 20 के। बस ये चीज़ें घुमाने की कोशिश किया। अब आप डायरेक्ट लगाओ, हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल, जो निकालना है ई नॉट, ई नॉट आपको गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है, बाई एन, एन आपको दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो एन टू लॉग, और क्यू, तो क्यू किसके बराबर है ध्यान से देखो, 1 बाई कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन, तो 1 बाई कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर माइनस 20। तो यू नो ये ऊपर चला जाएगा और 20 बार आ जाएगा, लॉग 10 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ध्यान से देखो आप, 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 20, राइट, तो 20 का ये क्या हो जाएगा 10, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.59, तो 0.34 माइनस 0.59। तो अब ध्यान से देखो कि ये माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो ये कितना होगा 34 और 59 मतलब 0.25, और 0.25 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो आप ध्यान से समझे कि वो क्या करेगा कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये इक्वेशन है जो मैंने बताया था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है, E, ई नॉट, एन और ये क्यू वाला पार्ट, तो आपको कोई तीन देगा। अब यहाँ पे जो तीन देगा वो घुमा फिरा के देगा, जैसे Q के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना दे करके Ksp से रिलेट किया, राइट, वैसे ये N तो खैर यहाँ से पता लग गया, E नॉट डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, E पूछा, सिर्फ Q को घुमाया है, और कैसे घुमाया है तो उसको कैसे करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कि एट वॉट pH, आपसे pH पूछा जा रहा है, गिवन हाफ सेल, ये हाफ सेल आपको गिवन है जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन मेंशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, E गिवन है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको गिवन है, डेट मीन्स आपको क्या क्या गिवन है अगर आप ध्यान से देखो तो E सेल आपको गिवन है 1.282 वोल्ट, E नॉट भी गिवन है आपको बाय द वे 1.54 वोल्ट, और आपसे pH पूछा जा रहा है। रिएक्शन कौन से वो ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या हो रहा है MnO4 माइनस Mn प्लस 2 में, पहले आप लिख लो MnO4 माइनस आपका कहाँ जा रहा है Mn प्लस 2 में, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है pH की बात किया है, डैट मीन्स H प्लस कहीं ना कहीं बात हो रही है, और H प्लस कैसे आएगा तो MnO4 माइनस Mn प्लस 2 में जा रहा है, बट इधर चार ऑक्सीजन है तो इधर क्या करना पड़ेगा मुझे 4 वाटर रेडॉक्स में जैसे बैलेंस कर दो, और 8 हाइड्रोजन हो गया तो इधर क्या करना पड़ेगा 8H+। अब अगर चार्ज को बैलेंस करें तो इधर प्लस 7 है, इधर 2 ही है, तो इधर कितना करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन, वो भी समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 7 में था ये 2 में था, चेंज कितने का हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन है जिसको उसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इतना कर दिया है, इसका भी कंसंट्रेशन आपको गिवन है और इसका भी गिवन है, बाकी इसलिए ये जो H प्लस है इसका कंसंट्रेशन को ही pH से उसने रिलेट किया है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई N log ऑफ Q। अब ध्यान से देखो E दे दिया है, E नॉट दे दिया है, N दे दिया, और Q में कुछ ना कुछ आपसे पूछा है, राइट, तो E आपको गिवन है कितना 1.282, E नॉट गिवन है कितना 1.54 माइनस 0.059 बाई N कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाई 5 log Q कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Mn प्लस 2, Mn प्लस 2 का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3, इसका स्टॉइकोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय इसका क्यों नहीं लिया, वाटर का कंसंट्रेशन ऑलवेज 1, राइट, उसके बाद इधर में आ जाओ तो MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1, स्टॉइकोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो निकालना है और उसका पावर 8 करना नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे
8 है, ये आपको करना पड़ेगा। तो 1.282 में से 1.54, तो ये आ जाएगा 0.258 माइनस में इज इक्वल टू माइनस में 0.059/5 लॉग ऑफ, ये 10 की पावर 1 चला जाएगा, तो 10 की पावर -2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की पावर 8, राइट। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप क्या होने वाला है, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, राइट। ये पॉइंट से आप इस पॉइंट को भी हटा सकते हो, तो आप कितना हो जाएगा 258 × 5, राइट, 258 × 5 बाय 59 नीचे में चला जाएगा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 10 की पावर -2 माइनस ए बाय बी को माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की पावर 8, तो यू नो माइनस ऑफ लॉग एच प्लस क्या होता है पीएच, तो ये तो माइनस में 2 आ जाएगा आपका, राइट। और ये माइनस कितना हो जाएगा 8 पीएच, तो इसको अप्रॉक्स आप करोगे तो ये आपको 22 के आसपास आएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 2, तो 8 pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तो इसलिए pH कितना हो जाएगा 24/8, डेट इज अप्रॉक्स में 3, तो आंसर आपका 2.9 वोल्ट जो कि क्लोज टू में 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लॉगरिदम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेट मीन्स लॉग के इक्विलिब्रियम ये निकालना है, राइट। उसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया, इस रिएक्शन का आपको निकालना है, और गिवन है पीडी प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पीडी में जा रहा है, तो उसका ई नॉट गिवन है और ये ई नॉट भी आपको गिवन है। बाय द वे यहाँ पे दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको मालूम है कि ई नॉट को इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हैं। चूंकि मुझे पीडी प्लस टू लेफ्ट में चाहिए तो इस रिएक्शन को ऐसे रखना पड़ेगा, और पीडी सीएल फोर माइनस टू राइट में चाहिए तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करके ऐड कर दूंगा तो मुझे, तो रिवर्स करूंगा तो देखो क्या होगा, पीडी प्लस फोर सीएल माइनस गिव्स यू पीडी सीएल फोर माइनस टू, और इसका ई नॉट कितना हो जाएगा माइनस में 0.65 वोल्ट। अब अगर इन दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसलिए ऐड कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो कैंसल आउट हो जाएगा इसीलिए, अदरवाइज डेल्टा जी नॉट निकाल के फिर ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का ई नॉट कितना आ चुका है 0.83 − 0.65, क्योंकि ऐड किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा 0.18 वोल्ट। तो यू नो कि ई नॉट लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन ई नॉट बाय 0.06 डायरेक्ट था, एन यहां पे दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, 2 × ई नॉट 0.18 डिवाइडेड बाय 0.06, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 × 3 = 18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 6। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, कि आपको ये एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है, राइट, और इसका ई एक्स इंटू 10⁻²² वोल्ट है, तो एक्स क्या होगा। तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को आप क्विकली कैसे करेंगे, आपके पास फार्मूला, चूंकि ई निकालना है, ई नॉट माइनस 0.059 को मैं 6 ले रहा हूँ बाई एन लॉग ऑफ क्यू होता है, राइट। तो देखो ई नॉट आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बट यहाँ पे क्या गिवन आपको रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा इसका प्लस में 2.36, कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमें रिडक्शन ही गिवन है तो एज इट इज रहने देना है, तो ये 0.36, इसलिए ई नॉट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.72, ई निकालना है माइनस 0.06, एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बताया था इधर भी प्लस टू दिख रहा है, इधर भी प्लस टू, अगर सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड सेम चार्जेस दिख रहे हैं तो एन की वैल्यू वही हो जाएगा 2, अगर डिफरेंट होता तो मल्टीप्लाई कर देते, राइट, तो एन 2 हो गया, लॉग ऑफ क्यू में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यू नो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा,
तो x प्लस टू का कंसंट्रेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो x प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना है, 10^-3, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स कैथोड का रिडक्शन कंसंट्रेशन, तो कितना आ जाएगा, 10^-2, तो ये ध्यान से देखो ये कितना आने वाला है, 2.72 माइनस ये हो जाएगा 0.03 और ये 10^-1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1, राइट, तो ये कितना आ गया 2.75। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो यू नो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 275 इंटू 10^-2, सो एक्स विल बी 275, ये हो जाएगा आंसर। तो ये विदाउट रिएक्शन को लिखे हुए मैंने कर दिया, अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, एक्स कन्वर्टिंग इनटू एक्स प्लस टू, टू इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन वाला क्या लिखोगे, वाई प्लस टू, वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा वाई में, नेट रिएक्शन आप लिखेंगे उसके बाद, नेट रिएक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है इसलिए ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस टू गिव्स यू x प्लस टू प्लस वाई, राइट, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 2, देखो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, इसलिए ध्यान से देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला, तो x प्लस टू का कंसंट्रेशन 0.001 मतलब 10^-3, और इसका तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, राइट, तो सॉलिड का लिखते नहीं है, रिएक्टेंट में अगेन ये सॉलिड है, राइट, और y प्लस टू का कंसंट्रेशन 0.01 जिसको 10^-2, तो अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली विदाउट रिएक्शन लिखे हुए भी कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि Zn से Zn प्लस टू और Sn प्लस X से Sn, राइट, E सेल गिवन है 298 केल्विन पे, रिएक्शन कोशेंट मतलब Q गिवन है 10^-2, E नॉट गिवन है, तो आपको n की वैल्यू बताना है, राइट, तो फॉर्मूला आपका वही है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई n log Q। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, E गिवन है, राइट, आपको E नॉट इससे निकाल सकते हैं, log Q रिएक्शन कोशेंट गिवन है और n पूछा गया है, राइट, इसीलिए मैंने बोला मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यू नो करवा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, राइट, तो अब यहाँ पे एनोड कैसे निकालेंगे, तो यू नो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड वाला एनोड, ऑक्सीडेशन चाहिए, गिवन क्या है रिडक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देंगे तो 0.763 वोल्ट, ये हो गया आपका कैथोड, रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन ही गिवन है प्लस एक्स से जीरो में, तो एज इट इज़, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, राइट, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, और इधर ई आपको गिवन है 0.801, तो 0.801 इज इक्वल टू 0.763 प्लस 0.008 माइनस 0.059 बाई एन, जो कि निकालना है आपको, लॉग क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 10^-2, तो ये आप पुट कर दो, तो ये दोनों को जोड़ करके इधर लाओगे तो ये बच जाएगा 0.03 इज इक्वल टू, राइट, इधर में ये माइनस और ये माइनस टू इधर बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.059 को मैं 0.06 ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और n यहाँ पे हो जाएंगे, तो आप ये देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एन कितना आ गया आपका 4, डैट मीन्स Sn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस 4 में, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आई होप ये नटखट इक्वेशन पे बेस जितनी भी प्रॉब्लम मैंने कराया आपको समझ में आया होगा, अब आप सारे PYQ कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कैसे करना है। थैंक यू।